It's a show about not wanting to do a show. The last 1 minute of the show is actually the show. The show that maybe I was expected to do. But that's just the last minute of the show. So it's just, say it's a few hours in my head, compressed in 1 hour. About, there are a lot of people who tell me all the time they want to see me. It's really nice of them. बहुत खूबसूरत बात है ये कि वो लोग जो मुझसे कभी ज़िंदगी में मिले नहीं हैं वो मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं. उनको लगता है कि मुझसे एक मुलाकात शायद उनकी ज़िंदगी को बदल देगी. तो ये मुझसे एक मुलाकात है. मुझे नहीं पता कि ये कितनी खुशगवार मुलाकात होगी. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को ये लगता है कि मैं एक जगह बैठी हुई और मेरे इर्द गिर्द एक हाला सा है जिसमें से शुआएँ निकल रही हैं गुड वाइब्स की. और हमेशा सब वैसा ही होता होगा क्योंकि शायद मेरी अक्सर तस्वीर और मेरी नज़में बड़ी पुरअज़म होती हैं. और हमारा काम होता है ना ये लोगों को अज़म हौसला खुशी और उम्मीद दिखाना देना. तो वो तो और चाहिए भी करना भी चाहिए क्योंकि देखो इतनी मायूसी सी है दुनिया में. तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा. तो इसलिए मगर उसका मसला क्या है. उसका मसला ये है कि लोगों को ये लगने लगता है कि शायद मुझ में कुछ ख़ास होगा तो मैं ये कर सकती हूँ और उनमें वो ख़ास कुछ नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है. हर इंसान के अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो उसको तकलीफ देता है. कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे और ऐसे इंसान होते हैं. यू नो देर बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं ज़िंदगी के. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं हासिल कर सकते जो हमारी एवोल्यूशन का हिस्सा होती हैं जिनकी वजह से हम वो होते हैं जो आज हैं चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो. तो जब हम अकेले होते हैं और जब कोई शो नहीं होता कोई इंसान भी नहीं होता जिसके साथ सामने भी थोड़ा सा ज़रा यू नो हौसला करना पड़े तो फिर तो सब साफ सामने होता है. इट्स How do I picture it? When people walk in, what do you want them to experience? I don't know. What's it going to look like? It should look nice. मुझे ऐसे लगता है कि मेरे aesthetics मुनासिब हैं तो दिखने में तो अच्छा लगेगा. वो सीख भी लिया है मैंने दुनिया से अच्छा दिखना कैसे कहते हैं और अच्छा कैसे दिखते हैं. अच्छा दिखना ज़रूरी होता है. Do I look good right now? I need to know this. Like, are you just saying it to make me feel better or is it true? Because it's not the art that I have a problem with. You see, the art I really enjoy. The art I'm willing to die for, break for, cry for. But it's the showcasing. The showcasing. The dukandari of it. Marah jaati hu main aage. I'm not very... बट मैं सीख रही हूँ और मैंने सीख लिया है और सो अच्छा दिखेगा. शो अच्छा दिखेगा. महसूस कैसा होगा तो आजकल लिख रही हूँ मैं. अभी मुकम्मल नहीं हुआ है. हो जाएगा एक आध दिन में. तो लिखने में बहुत अनकम्फर्टेबल है. बहुत तकलीफ दे भी है और बहुत आज़ाद भी कर रहा है. तो शायद देखने में भी अनकम्फर्टेबल होगा. हाँ इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप आएंगे और आप अगेन कि एक हाला होगा और उसमें से गुड वाइब्स निकल रही होंगी. ऐसा नहीं होगा. ऐसे लम्हात होंगे बीच में क्योंकि ज़िंदगी भी हर वक्त सीरियस और हर वक्त फनी और हर वक्त बोरिंग और हर वक्त इंटरेस्टिंग एक सी नहीं होती ना. तो ये भी एक सा नहीं होगा. लेकिन जैसे कुछ खुशगवार मोमेंट्स होंगे वैसे ही शायद कुछ बहुत दिल बर्दाश्ता कर देने वाले मोमेंट्स होंगे. आई वुड लाइक टू सी से दिस अभी के कमज़ोर दिल के अफराद अपने रिस्क पे आएँ. बट ये पता नहीं थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए कहीं. मतलब आई डोंट वांट साउंड कंसीटेड. रियल मुझे पता है कि दुनिया में असल ऑनेस्टी की कोई जगह नहीं है. पूरी ऑनेस्टी लोग कहते हैं कि वो चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं नहीं हैं. वो मांगते ज़रूर हैं
उसका प्रचार भी करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह शेयर भी बहुत करते हैं कि यू नो द रियल इट इज द बेटर एंड द रियल इज द इन थिंग बट आई डोंट थिंक सो सो या देयर्स बट दिस इज गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ रियल यू नो द रियल रियल व्हिच इज ऑलमोस्ट डिस्पिकेबल. No, I don't like write like this often at all. I don't write often. I haven't written a lot. I've written a total of 60, 70 poems. Tops. And I think I've written a couple of serials. Maybe one actually. Tops. A film that's half made, half not made. 4 to 5 theater plays. That's all I've written in a really long life. So this is, the good thing about this is, the exciting part is this, that I will be doing theater after about 10 years. Last time I was acting on theater and writing or directing for it was almost a decade ago. And then I came to Karachi, Karachi happened to me. I started making money. Yeah. You kind of get sick of that too. So I'm writing it, I'm directing it, I'm acting in it, there's poetry in it. So whatever I do is in it. Or whatever I know how to do is the show. And I'm doing it, so I'll be on the stage. I think I've made myself clear enough about what it is. Do you still want to know more? I want to know maybe why you're doing it. Why am I doing it? So I was not going to do it. I didn't want to do it. And I was having breakfast at Butler's one day. And there was this guy. He had gotten in touch with me a couple of weeks before that. About this club somewhere, some underground thing. I should definitely come and do a show there every month. Every month? How the fuck is going to do a show every month? Every month. I don't have that kind of material. But anyway, so I was like, yeah, I'll get back to you. And I was going to maybe at some level or never. But so I was Butler's, yeah, that morning where I just gotten out of a meeting that was a bad meeting because I was trying not to get hired. So this guy messages me and so I'm like 3 minutes away from the club and I come here. There's just a symbol on the door. It's a shady place. That's what I felt. It's a black door with a fucking symbol. I mean, how am I expected to know Morse code? I mean, how? I'm just a regular human being. Anyway, I took the plunge. It's my thing. I take the plunge. And I just walked down these stairs, had the meeting. I think I was very clear about the fact that I don't want to do a show. I don't want to sit here, recite poems. I don't want to. I'm okay. I'm happy with my little videos. They work for me. There's not a lot of log aur unki marzi aur ek camera, do camera, teesra mic, chautha aadmi. You know, kuch bahut sare log ho jate hain na involved cheezon mein. And then I just, even after that meeting, I just left. I disappeared. Because I didn't want to do the show. And here I am, sitting and talking about it. And I'm doing the show on the 22nd of March at Club 432. I don't know how that happened. But it happened. I think I'm done. I have a question. Oh, now it's like a Q&A. Everybody has a question. Great. Let's just do the show right here. Let's not charge people money. Let's just do this abhi. Haan, chalo, aap bhi batao. Kya sawal? Achha khasa bata diya. Na, phir bhi. Lekin achha hai. I like the fact that you're... Logon ke paas sawal nahi hote yaar aajkal. That's a problem. Mere ko bahut offend. Haan, it's great. Haan.
पूछो इस तरह की परफॉर्मेंसेस कराची में कभी हुई हैं पहले? यार मुझे नहीं मालूम कि कराची में कभी ऐसी परफॉर्मेंसेस हुई हैं. होती होंगी, लोग कुछ तो लिखते करते ही होंगे. सिंगल वुमन मैन प्लेज होते हैं ये पता है मुझे, बट ये मुझे वो करना नहीं था. मुझे कुछ बहुत सच्चा सा करना था. यहाँ पे प्लेस प्लेस का तो कराची में मैंने कभी कल्चर देखा ही नहीं ना. हाँ कराची आर्ट्स काउंसिल में भी प्लेस होते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है ना. जब मैं यू सी आई ऑलवेज वांटेड टू एक्चुअली ओपन अ प्लेस लाइक दिस पर्सनली. दैट्स दैट वाज समथिंग दैट वाज बिकॉज मेरा बैकग्राउंड थिएटर का है, तो मुझे हमेशा से एक जगह खोलनी थी जिसका नाम होना था क्रॉस आर्ट, जो ऐसे डिजाइंड होती कि जहाँ पर एग्जीबिशंस भी हो सकें, परफॉर्मेंसेज भी हो सकें एंड एवरीथिंग. एंड जब मैं यहाँ आई तो आई थिंक शायद वजह बहुत बड़ी मेरे यहाँ शो करने की ये है कि चलो अभी खोल तो ली है किसी ने जगह, तो मैं अब यहाँ कर क्या सकती हूँ. तो मैं अपना आर्ट लाकर उसके साथ इसको जितना यू नो वट एवर आई कैन डू टू ऐड टू दिस, इट्स अ प्लेस ऑलरेडी, तो मुझे वो करना चाहिए. पर या इस तरह की स्पेसेस भी नहीं है ये, इसमें एक्चुअली वो वाली फील है यू नो, वो जो एक होती नहीं है छोटे थिएटर्स की, तो दिल थिएटर्स very intimate, very quaint, very real. I think most a very powerful art is generated and originated at places like these because the stakes are not like us tarah wale bure wale hai na there, so people are more. I think ye success hai shayad is jagah ki vibe ka abhi tak, ki mera dil chaha ki main itni इसके हिसाब की चीज़ करूँ यहाँ पर. आई थिंक दिस परफॉर्मेंस इज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर 432. इट माइट हैपन इन अदर प्लेसेस इवेंचुअली, बट इट्स एक्चुअली डिज़ाइंड एंड मेड ओरिजिनली फॉर दिस प्लेस. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ 432 इन इट अलोंग विद मी. अभी मुझे इसलिए तो इस तरह की जगहें पसंद हैं. ये तो कंप्लीट काउंटर कल्चर बाय. हाँ तो और वो और अगर आई डोंट रियली एक्चुअली नो दैट आई अंडरस्टैंड काउंटर कल्चर करेक्टली, बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड देयर शुड बी सम ऐसे के अलावा भी इस थॉट प्रोसेस के अलावा भी ऐसी जगहें बननी चाहिए. किसी को बहुत सीधा सा काम भी करना है जो बहुत काउंटर ही नहीं है, वो भी खोले हैं ऐसी जगहें. And I think that's why social media, I personally think, is such a great tool, because people get to express, put their work out there, and they're not passive nahi hain or distributors or is tarah ke masail mein. Yeah, absolutely. Lekin yahan hai nahi na abhi wo social media market. Yeah, hai. Mere mujhe to log jante hain uski wajah se. Do you know that for 10 years of my life, I've written, directed, and acted, and now. मेरी पोएट्री वीडियोस के नीचे लोग लिखते हैं कि आपको अदाकारी ट्राई करनी चाहिए, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर होगा उसमें. तो ये जो काम मैं एक्चुअली यहाँ पर कंपाइल करने जा रही हूँ, ये इसको मैंने अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल दिए. मैं शायरी को तो मैंने पीछे को इतनी ज़्यादा लिफ्ट ही नहीं कराई, और ये भी पिछले 1-2 साल में उसकी ही सारी की हुई ये करामात हैं. तो वो प्योरली सोशल मीडिया पर कहीं और नहीं, टी वी पर कहाँ चली है मेरी शायरी या रेडियो पे या कहीं भी. पीपल गॉट टू नो अब इट थ्रू सोशल मीडिया. सोशल मीडिया की एक फिजिकल प्रेजेंस. चले मुझे पता है अब हम कहाँ चले गए. मेरे पास तो है. अब मुझे लगता है हम एक दिन जियो के साथ में चले गए. एक हफ्ता कर देंगे. You're a living, breathing example of counterculture, mashallah. We fall in the same category. Living, breathing का अच्छा मज़ेदार बात है. Art is supposed to make you comfortable. तो ये मज़ेदार बात ये है कि अभी मैंने 2 मिनट पहले कैमरे को बताया कि मुझे मेरे ख्याल में एक्चुअली पता नहीं है कि काउंटर कल्चर क्या होता है, और वो बॉय कह रहा है कि मैं लिविंग ब्रीदिंग एग्जाम्पल हूँ काउंटर कल्चर की. तो अब ये है मसले कि तालीम की कमी के मसाइल, फिर उसके ऊपर वैसा होने के मसाइल जो आपको पता भी नहीं है कि आप क्या हैं. तो इतने सारे जब मसाइल एक आदमी की ज़िंदगी में होते हैं, केस इन पॉइंट यासरा रिज़वी, तो फिर ऐसे परफॉर्मेंसेस लिखे जाते हैं. तारीफ का शुक्रिया. तारीफ का शुक्रिया का बुनियादी तौर पे मतलब है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, अंग्रेज़ी में इसका जो तर्जुमा है. बट जो नज़म है वो इन्वेस्टिगेट करती है उन रीजंस को
जिनकी वजह से ये तारीफ यू नो हामिल हाजा को मिल रही है. और उसी तरह ये प्ले बेसिकली इन्वेस्टिगेट करता है कि जब आप का काम या आपका आर्ट लोगों को पसंद आने लगता है और वो चाहते हैं कि वो और जाने वो उसके बारे में, तो वो और जानना इस प्ले के थ्रू पॉसिबल है. और ये भी पॉसिबल है कि उसके आखिर में लोग कहें कि ये हमने क्यों जान लिया, ये हमें नहीं था जानना. ये लिखते हुए मुझे बार बार महसूस हो रहा है कि बेटे इतना मेरा नहीं ख्याल शायद लोग इतना जानना चाह रहे हैं, लेकिन फिर इंसान को ख़ुद भी तो कभी कभी कुछ कहना होता है ना. आप सब कुछ लोगों के हिसाब से नहीं हो सकता कि वो क्या जानना चाह रहे हैं क्या जानना नहीं चाह रहे. आप भी तो कभी कुछ कहना चाह रहे हो सकते हैं जो आपके लिए उतना ही ज़रूरी हो जितना लोगों का जानना चाहना या ना चाहना. सो आई एम बीइंग सेल्फिश आई थिंक विद दिस परफॉर्मेंस. आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग एनीबडी, नॉट इवन माई सेल्फ. That's a first for me. I've lived a very long life trying to protect people. People I don't know, people I know. Everybody. Parda, 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 parda. Protect karto sab. Ab nahi ho raha. Sorry, kitchen mein koi baatein karta. अच्छा बस करें ना आप, अब बस करें. भाई जब मैं आप खुद ही बोल दीजिएगा, सवाल हमारे पास है टाइमलाइन एक्चुअल इवेंट्स के साथ कि क्या क्या एक्चुअली प्ले में होने वाला है. उन्हीं मैं बता रही अभी. नो नो आई डोंट इवन नो यू. नहीं ना नहीं नहीं दैट्स व्हाई नो दैट्स नॉट द एड. हाँ ना वो ना नहीं यार ठीक है जी कट ज़्यादा हो जाएगा पता है, वो बहुत पता चल जाएगा. आई डोंट वॉन्ट टू टेल देम द सेटिंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम दैट इट्स अबाउट मी एंड अबाउट हाउ आई थिंक एंड अबाउट इन इट्स अबाउट एक्चुअली बीइंग इन माय हेड. इट्स अ लिटिल वेग राइट नाउ बट यू नो क्लेरिफाई. अच्छा इसको और थम लेट्स. एक दिन जियो के साथ हो गया ना ये. हाँ. ये काउंटर कल्चर वल्चर सब बकवास है. सिंबल लगा देंगे अपने दरवाजे पे और काला दरवाजा नीचे कि मुझे ढूंढो और मेरे पास आओ और अंदर आके पूछो कि सिंबल का क्या मतलब है. लेकिन मुझसे इनको पूरा मैं डिटेल भी बता दूँ इश्तेहार में इनके. ये दिस इज व्हाट बिजनेस इन मनी डज टू पीपल, डू यू अंडरस्टैंड. ये हो जाता है ना फिर लोग बदल ही जाते हैं मतलब. अच्छा सही हम बता देते हैं. तारीफ का शुक्रिया नाम है इसका. एक घंटे का एक प्ले है. कोई एक मोनोलॉग नहीं है या कोई शायरी की महफिल नहीं है, लेकिन आपको नज़में भी सुनने को मिलेंगी इसमें. मेरे ख्यालात भी होंगे, मेरी गुफ्तगूज भी होंगी, कुछ मोनोलॉग्स भी होंगे. सो यू आर इनवाइटेड इनटू माय लाइफ एक्चुअली, इनटू हु आई एम, इनटू हाउ आई थिंक, हाउ आई फील. किन चीज़ों के बारे में मैं ज़ोर से महसूस करती हूँ और किन चीज़ों के बारे में मेरे दिल में कोई एहसास, कोई कदर, कोई कीमत नहीं है. इट्स सेट इन माई रूम. अब क्या फ़ायदा आने का. Set in my room, so you'll be able to experience a few hours in my room. In 1 hour, it's a show about not wanting to do a show. I don't think there is anything left to say now. Come watch Tareef ka Shukriya, 22nd March 2020 at Club 432. Time nahi pata mujhe bhi. Can he cut now? You've gotten everything out of me. You sound so amazing. What is wrong with you? It's very hurtful to write this play. I'm crying and writing random notes here and there. I can't put them together. I don't know how to. एंड उससे मुझे ये लगता है कि हम रोज़ बरोज़ कितनी तकलीफ़ें ज़िंदगी गुजारते हैं ना, और बस गुजारते चले जाते हैं और ध्यान भी नहीं देते इस बात पे कि हमने अपने आप को कितनी तकलीफ़ में डाल रखा है. आई डोंट नो व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग अस. कुड बी वर्क, अदर पीपल, बच्चे, किसी के माँ बाप, किसी के बहन भाई, बट
इतने गर्भ में रखते हैं हम अपने आप को साल हर साल, पीछे कुछ बचता ही नहीं है। अपने आप पे ही रोना आ गया मुझे, बड़ी तकलीफ दे बात है ये। काफी काटे।